फैमिली वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो पार्ट टू सरोजनी मार्केट में आपका वेलकम है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट टू में स्कर्ट्स हॉल, मैंने कौन कौन से स्कर्ट्स खरीदे, क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मेरा टमी बहुत ज़्यादा है और बैक भी बहुत ज़्यादा है, तो स्कर्ट्स में ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छुप जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि ना आप अगर चबी हो और आप स्कर्ट्स पहन रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप ये नोटिस करना। क्योंकि मुझे ना मैंने काफ़ी सारे जब भी स्कर्ट्स पहने ना तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और फिर मैंने बहुत सारे स्कर्ट्स खरीद लिए हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही अमेजिंग काइंड ऑफ गोल्डन काइंड ऑफ स्कीन, या आप बोल सकते हो उसको ब्राउन कलर, ये वेलवेट का है और ये मुझे मिला है 100 रुपीस में। तो स्कर्ट जितने भी है ना गाइस सब 100 रुपीस के हैं। अगर आप यही क्वालिटी अगर आप लेने जाओगे मिंत्रा या फिर अर्बनिक या फिर कोई और साइट पे, तो आप समझ सकते हो कितना कॉस्टली होगा, मतलब 1000 के ऊपर तो होगा ही। तो ये मुझे 100 में मिला है और इसकी क्वालिटी बहुत 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 ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये रहा फर्स्ट स्कर्ट। फिर देन मैंने लिया हुआ है एक अगेन वेलवेट है और ऊपर से ये है नेट, पर मुझे ना ये अंदर वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो अंदर वेलवेट है और ये अगर सिर्फ इतना ही होता ना तो भी प्यारा लगता। आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया है पहन के, तो ये मेरी डॉटर के लिए मैंने लिया था लेकिन मुझे भी आ गया लकीली। ये ग्रे कलर का है। फिर देन मैंने एक ब्लैक कलर का वेलवेट लिया है। ब्लैक मेरे हर टॉप हो चाहे पैंट्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको ब्लैक कलर्स मिलेंगे ही। तो ये ब्लैक वेलवेट है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एज कम्पेयर टू ग्रे थोड़ा बॉडी पे स्टिक हो रहा था, ये थोड़ा मतलब उससे थोड़ा बड़ा था मुझे ऐसे लगा आई गेस। ये ब्लैक कलर में है। देन मैंने लिया हुआ है एक काइंड ऑफ ये ना मतलब बॉडी शेप पूरा स्कर्ट होता है ना वैसे है, तो ये लाइट एकदम लाइट पिंक है। इसको पहनने के लिए मुझे वेट कम करना पड़ेगा, वैसे अभी भी मुझे आ गया लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और टमी टकर अगर आप पहनते हो ना, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाया स्कर्ट पहन के, टमी टकर नहीं पहना है। अगर आप टमी टकर पहनते हो मतलब हाई वेस्ट पैंट भी पहन लेते हो या शॉर्ट्स पहन लेते हो तो इतना नहीं पता चलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने नहीं पहना था उस टाइम पे, इसके वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा पेट उठ के दिख रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है मेरा, मैं अब जिम भी नहीं जा रही हूँ। देन अगेन ब्लैक कलर और ये है मटेरियल जो है ना, ये विंटर मटेरियल है, मतलब काइंड ऑफ स्वेटर ऐसी वार्म फीलिंग देगा आपको। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा ब्लैक में, नीचे अलग कलर्स भी है और ये भी आराम से आसानी से मतलब आ जा रहा है, स्ट्रेचेबल है, तो मुझसे भी फैट भी पहन सकती है इसे। और जब भी आप फैट होना, ये एक टिप्स है, तो अगर आपका पेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हाई वेस्ट स्कर्ट या पैंट्स पहनिए, तो वो इतना आपका नहीं पता चलता है, स्पेशली स्कर्ट्स में। पैंट्स में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है लेकिन स्कर्ट्स में नहीं पता चलता है अगर आप हाई वेस्ट पहनोगे। देन मैंने लिया हुआ है ये वाला स्कर्ट ग्रे कलर का, ये भी वॉर्म वाला ही है। और मैंने वॉर्म कपड़े इतने सारे इसलिए लिए क्योंकि वैकेशन में अगर हम मतलब ऐसे मैंने सोचा कि हम ठंडी जगह जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम नैनीताल गए थे, दिस टाइम तो शायद नहीं होगा, लेकिन विंटर भी आते हैं और कहीं ऐसी जगह जाना हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, तो ये सब काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे और इतने रीजनेबल रेट में गाइस, तो मैंने ले लिया। तो ये ग्रे कलर का है। देन अगेन एक वेलवेट का लिया। वेलवेट तो मुझे इतना क्रेजी कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे कलर्स थे, रेड मतलब काफ़ी सारे थे, लेकिन मतलब एंड ऑफ मैंने सोचा नहीं इतने स्कर्ट्स ले लिए काफ़ी है, ये भी मुझे काफ़ी लगा, लेती जा रही थी जब मैं घर मतलब होटल पहुंची और मैंने देखा, मैंने बोला ओह माय गॉड मैंने काफ़ी सारे स्कर्ट्स ले लिए। फिर
पे ये है ब्लू कलर, इसने तो मेरा दिल ले लिया एक्चुअली, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे ऐसे रबर इलास्टिक है तो ये अच्छे से आराम से आ जाता है, वैसे तो सब में वैसे ही है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, आप देख सकते हो। फिर अगेन ब्लैक कलर, लेकिन ये नी तक आता है स्कर्ट, ये शॉर्ट स्कर्ट है, ये मतलब बहुत ही प्यारा लगा। अगर इसके साथ अगर आप स्टाइलिंग करोगे, मैं स्टाइलिंग वाला वीडियो शॉर्ट्स वीडियो डालने वाली हूँ, अगर इसके ऊपर आप टॉप पहनो कोई भी और स्कर्ट्स पहनो और नीचे आप स्टॉकिंग्स एंड शूज़ पहनो, वाओ अमेजिंग। देन अगेन ये एक स्ट्रेट स्कर्ट है, मतलब ये बॉडी कॉन जैसे सूट ड्रेस होता है वैसे ये स्कर्ट है, तो इसको भी अगेन पहनने के लिए वही वेट, ये सारी चीज़ों को पहनने के लिए ना वेट कम करूँगी तो क्या ही लगेगा। तो ये सारे 100 रुपीज़ के हैं, आपने देखा। तो मैंने ना लोअर्स भी ली थी, तो लोअर्स भी इसी में दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि वो भी स्कर्ट्स हॉल है तो लोअर्स भी इसी में दिखा देती हूँ। तो ये ना वॉर्म मुझे पैंट्स मिली थी और मुझे ना गोरखपुर जाना था दिल्ली के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंड होगी और बहुत जिस वक्त मैं गई थी तो बहुत लिटरली बहुत ठंड थी। और ये पैंट और एक पैंट मैंने ली है, मैं बाद में इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, अभी मैंने इसको पहन के बताया नहीं। मैंने वहाँ पर ये दोनों ही पैंट ने मेरा बोलते ना लाइफ सेव किया है क्योंकि इतनी ठंड थी वहाँ पर। तो ये ऐसी पैंट है और पॉकेट्स भी है इसमें, तो यहाँ पे ये फोल्ड किया हुआ है, आप इसे ओपन भी कर सकते हो लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐसे ही, ये वॉर्म है पूरा मटेरियल इसका। और ये मुझे मिली 200 रुपीज़ में, और मैंने एक ब्लू कलर की भी सेम ली है, वो भी 200 में है, वो मतलब धोने में रखी हुई है तो इसके लिए अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ, तो वो भी 200 में है। और मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है, ऑफ वाइट कलर की मिल रही थी बहुत ही अमेजिंग सेम ऐसे ही मटेरियल में, मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों नहीं ली। पहले मुझे डाउट हो रहा था मुझे आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं, पर देखा तो आ गई, बहुत ईजीली स्ट्रेचेबल थी। एंड दो मैंने ना जीन्स ली है, 150 की जीन्स ली है और बहुत ही अच्छी मिली है, और सबसे अच्छी बात प्लस साइज मिली है। तो ये एक जीन्स है जो मैं पहन के आपको दिखाऊंगी बाद में, अभी तो मैंने नहीं वेयर किया। अगर ये वीडियो डालने से पहले अगर मैं वेयर कर लूँगी तो डेफिनेटली मैं डाल दूँगी, और अगर नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो इन दोनों में से कोई एक जीन्स मुझे थोड़ी ज़्यादा टाइट हो रही थी, एक मुझे परफेक्ट हो रही थी, बस यही थोड़ा डिफरेंस हो गया, एक ये वाली है। तो ये दोनों 150 की है, तो मैंने तुरंत से ले ली। और ब्लैक कलर की मैंने सोचा कि ब्लैक कलर की नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी पैंट मैंने ली थी। तो ये लोअर्स हॉल था पूरा स्कर्ट्स एंड पैंट्स का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और पार्ट 3 में हम मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी सारे वन पीस जो मैंने वन पीस लिए हुए हैं कौन कौन से। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने मिलेगी। तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था पार्ट 3, लेकिन मुझे बाद में याद आया जो मेन चीज़ मैं भूल गई थी, ये पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि फोर्थ पार्ट पे मैं आपको सैंडल्स एंड पर्स दिखाने वाली हूँ जो कि मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी। तो मिलते हैं अभी फ़िलहाल थर्ड वीडियो में, ठीक है, बाय गाइज़।